हेलो एवरीवन, वेलकम टू StudyIQ। StudyIQ के इस वीडियो में मैं वुमेन इन न्यूज़, वो महिलाएं जिन्होंने कुछ बहुत ही खास अचीव किया 2017-18 में, पिछले 15 महीनों के अंदर, तो ऐसी 100 अचीवमेंट्स मैंने कवर की हैं। इस वीडियो में है 50 और इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें 50। याद रखिए, ये सिर्फ पार्ट 1 है, इसमें मैं कवर करूँगा 50 अचीवमेंट्स। और जो वुमेन अचीवर्स हैं उनके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये कंपाइलेशन है जो आपकी हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो, वुमेन इन न्यूज़ 2017-18। इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ, मेरा नाम है गौरव। StudyIQ के पेनड्राइव कोर्सेज उपलब्ध हैं, UPSC, बैंक PO, SSC, डिफेंस एग्जाम, हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, studyiq.com। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, मेरी ID है tireless soul, या फिर ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, gaurav_88। शुरू करते हैं वो महिलाएं जो पिछले 15 महीनों में न्यूज़ में रही। सबसे पहला है जैकिंडा आर्डर्न, ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी हैं और ये न्यूजीलैंड की 40वीं प्रधानमंत्री हैं ओवरऑल, और तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड की 2 महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, तो ये हैं तीसरी, इनका नाम है जैकिंडा आर्डर्न। सौम्या स्वामीनाथन, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल बनी हैं। कोई भी भारतीय, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, इतनी हाई पोजीशन पे अपॉइंट नहीं हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है चीफ, जिसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल, और एक होता है जो सेकंड सबसे ताकतवर व्यक्ति होता है, जिसको बोलते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल। तो ये बनी है डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, ये रिपोर्ट करेंगी टेड्रोस अधानोम को, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं। तो इनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। कृष्णा कुमारी, पाकिस्तान में एक प्रोविंस है सिंध, जिसकी कैपिटल है कराची। तो सिंध जो है, इसके अंदर एक जगह है थार, ये पहली हिंदू कैबिनेट मंत्री बनी है वहाँ पे, और ये बहुत लंबे समय में पाकिस्तान में एक हिंदू मंत्री बनी है। ये बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है, जिनका नाम है PPP, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको बिलोंग करती हैं। इनका नाम है कृष्णा कुमारी। जयपुर का जो गांधीनगर है, ये भारत का पहला ऑल वुमेन नॉन सबर अर्बन स्टेशन बना है। मैं रिपीट करता हूँ, भारत का पहला ऑल वुमेन नॉन सब अर्बन स्टेशन, और इस स्टेशन की जो सुपरिटेंडेंट होंगी वो होंगी नीलम जाटव। भारतीय एयरफोर्स में जो महिलाएं हैं वो पायलट के तौर पर नहीं रिक्रूट की जाती थी, उनको मेनली टेक्निकल जॉब दिए जाते थे। तो लेकिन 3 भारत की जो महिलाएं हैं उन्हें फाइटर पायलट के तौर पे पिछले साल 2017 में उन्हें अपॉइंट किया गया था। इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह। मैं रिपीट करता हूँ, अवनी चतुर्वेदी, भावना कांत और मोहना सिंह, अब ये कॉम्बैट में फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा सकती हैं। इन तीनों में अवनी चतुर्वेदी को मौका मिला पहला फाइटर एयरक्राफ्ट अकेले उड़ाने का, सोलो, और ऐसा करने वाली ये पहली इंडियन वुमेन बनी। और इन्होंने जो फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया, लड़ाकू विमान, वो है MiG-21। और ये और भी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि MiG-21 जो एयरक्राफ्ट है हमारा, ये सबसे ज़्यादा इसकी टेक ऑफ स्पीड होती है, तो ये 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टेक ऑफ करता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। अरुणा बुद्धा रेड्डी, ये भारत की पहली वर्ल्ड कप मेडल विनर रही जिमनास्टिक्स में, और इन्होंने ये जीता मेलबर्न में। ये पूछ लें अगर कहाँ से हैं, तो ये हैं हैदराबाद से, तेलंगाना से हैं ये। ये भारत की पहली वर्ल्ड कप मेडल विनर, इन्होंने कांस्य पदक जीता अभी अभी जिमनास्टिक्स में। और एक जिमनास्ट और हैं भारत की जो पॉपुलर हैं, त्रिपुरा की हैं वो, और इन्होंने ओलंपिक्स में 4th फिनिश किया था, प्रोडिनोवा जंप है इनकी। खैर, आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है यहाँ पे। भारत की झूलन गोस्वामी, ये पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं पूरी दुनिया में, जिन्होंने 200 विकेट लिए हैं। फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू टेक 200 विकेट्स इन वनडे मैचेस। झूलन गोस्वामी जो हैं, ये बंगाल की हैं, बंगाल में ये नादिया डिस्ट्रिक्ट से हैं। राधिका मेनन, ये पहली वुमेन कैप्टन इंडियन मर्चेंट नेवी में बनी, फर्स्ट वुमेन कैप्टन इन द इंडियन मर्चेंट नेवी, इनका नाम है राधिका मेनन। भारत की एक नाव है जिसका नाम है INSV तारिणी, ये नाविका सागर परिक्रमा पे गई, और ऐसा करने वाली ये फर्स्ट एवर
बोट है जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने गई यानी सरकम नेविगेट करने गई वर्ल्ड को, और इसका संचालन ऑल वुमेन क्रू ने किया। इस पे 6 ऑफिसर हैं और 6 जो ऑफिसर हैं इनमें जो सबसे सीनियर हैं, जो इसकी हेड है पूरी बोट की INSV तारिणी की, उनका नाम है वर्तिका जोशी, लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी। देवजानी घोष ये पहली महिला हैं भारत की जो नैसकॉम को हेड करेंगी, पिछले 30 सालों में पहली महिला जो नैसकॉम की हेड बनी है। नैसकॉम यानी कि द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। मातुंगा ये सेंट्रल रेलवेज का एक ऑल वुमेन स्टेशन बना, ये पहला स्टेशन है ऐसा, ये सेंट्रल रेलवेज का स्टेशन है। 41 महिलाएं इस पूरे स्टेशन का संचालन करेंगी और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम आया है। इसकी स्टेशन मैनेजर होंगी ममता कुलकर्णी, और जो ममता कुलकर्णी है ये पहली महिला असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर थी जिसको सेंट्रल रेलवेज ने रिक्रूट किया था अपनी मुंबई डिवीजन में 1992 में। तो याद रखिए मातुंगा स्टेशन। कविता देवी ये हरियाणा से हैं और ये पहलवान हैं, रेसलर हैं। ये भारत की पहली महिला हैं जो WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में गई हैं, WWE में। शुभांगी स्वरूप ये इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट बनी है, भारतीय नेवी की फर्स्ट वुमेन पायलट, इनका नाम है शुभांगी स्वरूप। भारत की सबसे पहली वुमेन फायर फाइटर यानी जो फायर ब्रिगेड वगैरह में जो काम करती हैं, इनका नाम है हर्षिनी कान्हेकर। ये न्यूज़ में आई थी इसलिए यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ, फर्स्ट एवर वुमेन फायर फाइटर हर्षिनी कान्हेकर। सुरेखा ये भारत की पहली फीमेल पैसेंजर ट्रेन ड्राइवर है, भारत की पहली फीमेल पैसेंजर ट्रेन ड्राइवर यानी ट्रेन चलाने वाली ड्राइवर पहली महिला है ये सुरेखा। निर्मला सीतारमन ये भारत की पहली फुल टाइम, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, फुल टाइम महिला रक्षा मंत्री बनी, और इससे पहले इंदिरा गांधी थी लेकिन वो फुल टाइम नहीं थी, वो प्रधानमंत्री थी और उनके पास रक्षा मंत्रालय का प्रभार था लेकिन फुल टाइम नहीं थी वो। पहली फीमेल कैप्टन बोइंग 77 की, इससे पहले ये एयर इंडिया की पायलट थी, इनका नाम है एनी दिव्या और ये विजयवाड़ा को बिलोंग करती हैं आंध्र प्रदेश में। ये बनी है बोइंग 77 की पहली फीमेल कैप्टन। ये सब 2017 के हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2017 में भारत में अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें रेफरी करने वाली पहली फीमेल जो थी वो है एस्थर स्टॉबली, और एस्थर स्टॉबली जो है वो स्विट्जरलैंड की है, इनका जो कंट्री है जहाँ की बिलोंग करती हैं ये स्विट्जरलैंड की हैं। अंडर 17 वर्ल्ड कप भारत में हुआ था और ये इंग्लैंड ने जीता था स्पेन को हरा के, इंग्लैंड। उषा अनंत सुब्रमण्यम ये पहले पंजाब नेशनल बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर थी, उसके बाद अलाहाबाद बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अभी, और ये पहली महिला चेयरमैन बनी है IBA यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन। और इसके जो वाइस चेयरमैन हैं वो बने हैं रजनीश कुमार जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियन बनी 22 साल के बाद, भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू है मणिपुर की। वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 22 साल पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, और कर्णम मल्लेश्वरी वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2000 के जो सिडनी ओलंपिक्स हुए थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था भारोत्तोलन में वेटलिफ्टिंग में। मणिपुर की दो इंपॉर्टेंट फीमेल्स और हैं जो आपको याद रखनी है, एक तो है मैरी कॉम। मैरी कॉम 5 बार वर्ल्ड चैंपियन है, 5 बार एशियन चैंपियन है और 1 बार ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं मैरी कॉम, और 2017 में ही 5वीं बार एशियन चैंपियन बनी थी, 5 बार इससे पहले वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। और दूसरी हैं इरोम शर्मिला, इनका नाम भी याद रखिए। इरोम शर्मिला ने 16 साल व्रत रखा, फास्ट रखा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के खिलाफ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महिलाएं हैं मणिपुर से। भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज, हालांकि यहाँ पे वुमेन की बात हो रही है, ट्रांसजेंडर एक अलग कैटेगरी होती है लेकिन क्योंकि ये महिला हैं एक तरह से, तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज जो भारत में बनी वो है जोईता मंडल, जोईता मंडल। जामिदा बीवी
ये अभी अभी बहुत न्यूज में आई है जनवरी के अंदर, जनवरी 2018 में। ये पहली मुस्लिम महिला है भारत में जो फ्राइडे की जो जुम्मा प्रेयर होती है जो इस्लामिक फेथ में, और जो फ्राइडे होता है उस दिन जुम्मा प्रेयर होती है, तो ये जुम्मा प्रेयर इन्होंने करवाई केरल के मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट वुमेन जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो ये फर्स्ट मुस्लिम वुमेन बनी जिन्होंने फ्राइडे की प्रेयर्स करवाई। इनका नाम है जामिदा बीवी। केरल की एक और महिला आपको याद रखनी है, फातिमा बीवी। ये भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी थी, ये भी केरल से थी। एकता बिष्ट जो है ये उत्तराखंड से हैं। ये पहली भारत की महिला वुमेन क्रिकेटर है, मतलब फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर जिन्होंने आईसीसी वनडे और T20 दोनों के अंदर जो टीम ऑफ द ईयर है उसमें इनका नाम आया। वनडे और T20 दोनों टीम ऑफ द ईयर में इनका नाम आया। कर्नाटक की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGIGP ये बनी नीलमणि एन राजू। ये है कर्नाटक की फर्स्ट वुमेन DGIGP नीलमणि एन राजू। केरल की पहली महिला IPS अपने टाइम में थी ये, और केरल की पहली DGP दोनों, ये इनका नाम है आर श्रीलेखा। तो केरल की पहली DGP बनी है आर श्रीलेखा, और ये केरल की पहली IPS अफसर भी थी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग केस हुआ है। भारतीय नेवी में एक उस वक्त मैन थे ये, और इनका नाम है साबी गिरी। तो इनको नेवी ने ले लिया, भारतीय जो जल सेना है उसमें इन्होंने ऑफिसर बन गई है। उसके बाद इन्होंने अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा लिया, तो ये मैन से फिर वुमेन बन गई। ये जो नर थी पहले, फिर बाद में ये महिला बन गई ऑपरेशन के बाद, और फिर नेवी ने इन्हें निकाल दिया। तो जब इन्होंने नेवी को बताया कि मैं अब महिला हूँ, मैं अब ट्रांस वुमेन हूँ, तो इन्होंने इनको निकाल दिया। तो अब ये कोर्ट में केस कर दिया इन्होंने नेवी के खिलाफ कि उनके साथ भेदभाव किया गया है, और अब कोर्ट में केस चलेगा, देखते हैं क्या होता है। खैर, इनका नाम है साबी गिरी। GR राधिका, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है चित्तूर आंध्र प्रदेश में। ये भारत की तरफ से पहली महिला बनी है जिन्होंने माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई करी है। माउंट एल्ब्रस जो है ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके अलावा ये भारत की पहली महिला पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ी, माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में तंजानिया में है सबसे ऊंचा पर्वत, और माउंट कोस्क्यूस्को जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये पहली महिला पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने ये सारी चढ़ाइयाँ करी हैं, और अभी अभी इन्होंने माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई भी करी है, और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला है। रूपा मॉडगिल, ये बहुत न्यूज़ में आई, डी रूपा। ये कर्नाटक की पहली महिला IPS ऑफिसर हैं, और ये न्यूज़ में इसलिए आई क्योंकि शशिकला जो AIADMK पार्टी है उसकी जो जयललिता की मृत्यु के बाद जो चीफ बनाई गई थी, जो सेक्रेटरी बनाई गई थी, जनरल सेक्रेटरी, वो थी शशिकला। तो शशिकला को जेल हो गई थी, लेकिन तो जेल में उन्हें VIP ट्रीटमेंट मिल रहा था, तो उसको एक्सपोज किया इन्होंने सबके सामने। इनका नाम है रूपा मॉडगिल। पार्वती, ये मलयाली फिल्मों की अभिनेत्री हैं, और ये पहली मलयाली एक्टर हैं जिन्हें सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला है। इनकी फिल्म का नाम है टेक ऑफ। लखनऊ की 100 साल के इतिहास में पहली महिला मेयर बनी संयुक्ता भाटिया, ये भारतीय जनता पार्टी की हैं। ये लखनऊ की मेयर हैं, पहली महिला मेयर संयुक्ता भाटिया। भूमिका शर्मा, इन्होंने 2017 में, ये पहली भारत की महिला हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीता है, मिस वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। और वैसे मिस वर्ल्ड भी भारत की ही बनी थी, मानुषी चिल्लर, और ये हरियाणा को बिलोंग करती हैं। मणिपुर का जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायमूर्ति बनी है अभिलाषा कुमारी। मणिपुर हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी अभिलाषा कुमारी। इनको शपथ दिलाई वहां की गवर्नर नजमा हब्तुल्ला ने। इंदु मल्होत्रा, ये पहली वकील हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जज के तौर पे अपॉइंट किया गया है। फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बी डायरेक्टली अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इनका नाम है इंदु मल्होत्रा। पहली महिला न्यायमूर्ति दिल्ली हाई कोर्ट की, इनका नाम है जी रोहिणी। ये एक कमेटी बनी है OBC सब कैटेगराइजेशन पे, जो पिछड़ा वर्ग है उसका सब कैटेगराइजेशन। ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो इसके उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
इनको बनाया गया है, इसका अध्यक्ष जी रोहिणी, ये दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायमूर्ति थी। मंजुला चेल्लूर, ये इनका रिटायरमेंट हुआ 2017 में, ये दूसरी महिला जज थी जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। जो बॉम्बे हाई कोर्ट है बहुत ही प्रतिष्ठित, उसकी मुख्य न्यायमूर्ति थी ये, दूसरी सिर्फ, पहली थी सुजाता मनोहर। स्नेहलता श्रीवास्तव, ये भारत की पहली लोकसभा सेक्रेटरी जनरल बनी है, पहली महिला लोकसभा सेक्रेटरी जनरल बनी है। लोकसभा जो है हमारा निचला सदन है। अतीता वर्गीस, ये भारत की एकमात्र फर्स्ट फीमेल प्रो स्केटबोर्डर बनी है। ये एक खेल होता है जिसको बोलते हैं स्केटबोर्डिंग, और ये करने वाली भारत की पहली प्रोफेशनल महिला है ये। इनका नाम है अतीता वर्गीस। भारत की मिथाली राज, ये भारतीय क्रिकेट टीम की, महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। ये सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी पूरी दुनिया में, और इन्होंने 6000 रन क्रॉस कर दिए। अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है महिला क्रिकेटर जिसने 6000 रन बनाए हो, तो ऐसा करने वाली ये पहली महिला बनी, यानी वनडे मैचेस के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी मिथाली राज। शर्मिला निकोलेट, ये कर्नाटका से हैं वैसे, और जो पिछले में मैंने आपको मिथाली राज दिखाई थी वो जोधपुर राजस्थान से हैं, वहीं उनका जन्म हुआ था। शर्मिला निकोले जो हैं ये पहली भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हैं, महिला गोल्फ खिलाड़ी, जिन्होंने चाइना लेडीज पीजीए टूर के लिए क्वालिफाई किया है, चाइना लेडीज पीजीए टूर। आंचल ठाकुर, इन्होंने इतिहास रचा, इन्होंने इंटरनेशनल स्कीइंग कॉम्पिटिशन में भारत को अपना पहला मेडल दिलवाया। तो आज तक के इतिहास में भारत ने कोई भी स्कीइंग में मेडल नहीं जीता था, लेकिन आंचल ठाकुर ने दिलवाया। ये हिमाचल को बिलोंग करती हैं। हालिमा याकूब, ये न्यूज में आई, सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। काफी कंट्रोवर्सी हुई थी इसके ऊपर, लोग खुश नहीं थे बहुत सारे, लेकिन ये बनी है। और ये प्रधानमंत्री हैं सिंगापुर के, ली सियन लुंग, ये जो आप खड़े हैं इनके लेफ्ट में। तो हालिमा याकूब सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। वैसे बता देता हूँ, नेपाल की भी विद्या देवी भंडारी पहली महिला राष्ट्रपति हैं, नेपाल की जो भी राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नागपुर की एक तैराक है, स्विमर, इनका नाम है कंचनमाला पांडे। कंचनमाला पांडे नागपुर की स्विमर है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, भारत का सबसे पहला गोल्ड मेडल है भारत के इतिहास में वर्ल्ड पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में। और एक और मानने वाली बात यह है कि ये देख नहीं सकती, ये विजुअली इम्पेयर्ड है। नीरू चड्ढा, ये ट्राइब्यूनल है जो यूएन ट्राइब्यूनल, यूएन लॉ बोर्ड, ये पहली भारतीय महिला है जिसको यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ लॉ बोर्ड में जगह मिली। इनका नाम है नीरू चड्ढा। पहली सिख महिला जो अमेरिका में मेयर चुनी गई हैं, इनका नाम है प्रीत डिडबल। पहली सिख महिला, फर्स्ट सिख वुमेन इलेक्टेड एज मेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स, प्रीत डिडबल। मिस ट्रांस क्वीन 2017 बनी नितासा बिस्वास। ये ट्रांसजेंडर्स के लिए, जो जैसे फीमेल्स के लिए मिस इंडिया होता है, उसी तरह से ट्रांसजेंडर्स के लिए होता है मिस ट्रांस क्वीन। ये जीता नितासा बिस्वास ने। प्रतिभा और प्राची, लखनऊ मेट्रो जब उसका उसका जो पायलट रन किया गया, कहने का मतलब लखनऊ मेट्रो जब सबसे पहली बार चलाई गई थी तो उसका शुभारंभ, उसका उद्घाटन करा दो लड़कियों ने, प्रतिभा शर्मा और प्राची शर्मा। ये दोनों इलाहाबाद की हैं और ये पहली भारत की महिला ड्राइवर हैं जिन्होंने किसी भी मेट्रो राइड का इनॉग्रेशन करा। नाम है प्रतिभा और प्राची। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर भारती लवेकर, इन्होंने भारत का पहला डिजिटल सैनिटरी पैड बैंक बनाया है। ये 28 मई 2017 को इनॉग्रेट हुआ था, जो वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे के तौर पे हम मनाते हैं। भारत का पहला डिजिटल सैनिटरी पैड बैंक बनाया डॉक्टर भारती लावेकर ने। सो ये था भाग एक इस वीडियो का। अगर आप चाहते हैं कि मैं भाग दो भी लेके आऊं वुमेन इन न्यूज, तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, मैं दो दिन के अंदर जरूर लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।